ये जो लठाई बैठे हुए हैं मंदिरों में और जो इस संघ की शाखा में जाते हैं चड्डीधारी लोग, ये क्या सुटेबल है? रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जो हाशिया समाज से आते हैं उन्हें मौका नहीं मिले। ये सीधी सीधी सरकार की साजिश है। सीधी बात है, सरकार नहीं चाहती है कि जो हाशिया के समुदाय के लोग हैं उन्हें बेहतर शिक्षा मिले। सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि जो लोग पढ़े लिखे, सरकार उन उच्च शिक्षा में पहुँचने वाले लोगों को एक मौका तो देती है नहीं कि वो बेहतर पढ़ सके। नमस्कार, मैं ऊर्जा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मौजूद हूँ ITO में और लगातार यहाँ पे युवाओं का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेके यहाँ पे पोस्टर हाथ में आप देख सकते हैं, KYC जातिवाद UGC होश में आओ, लाखों दलित व पिछड़े समुदाय से आए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं सहेंगे। मतलब सीधा तौर पर कहा जा रहा है कि जो ST रिजर्वेशन है उसको खत्म करने का लगातार ये चीजें देखी जा रही है। न्यूज आई है कि ड्राफ्ट आया है अभी, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं हुई है। सर, कन्फर्मेशन नहीं हुई उसके बाद भी आप लोग प्रदर्शन पर उतर आए हैं? देखिए, UGC का ये ड्राफ्ट रेगुलेशन है, UGC कह रहे हैं कि ये हमारा प्रस्तावित है जिस पे हम काम करेंगे। सीधी बात है कि इस तरीके के रेगुलेशंस, इस तरीके के गाइडलाइंस क्यों आ रहे हैं? सीधी बात ये दिखाता है कि सरकार जो हाशिए में खड़े लोग हैं उनका जो एक बहुत छोटा हिस्सा बड़ी मुश्किल से उच्च शिक्षा तक पहुँचता है, आगे नौकरी तक अपनी उम्मीदें रखता है, उनके ऊपर एक हमला है। सीधी बात है, जो पिछड़ों समुदाय से लोग आते हैं उन पे हमला है। हम देखते हैं कि बीते सालों में जो हाशिया इस समुदाय से हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, उनका बड़ा हिस्सा पढ़ना चाहता है, उनका बड़ा हिस्सा आगे बढ़कर एक बेहतर ज़िंदगी जीना चाहता है। एक तरफ सरकार कोई नए कॉलेज नए स्कूल नहीं खोलती है, एक तरफ सरकार ये बिल्कुल कोशिश ही नहीं करती है कि नए संस्थान खुले, नए छात्र आए, नए शिक्षकों की नियुक्ति हो, ताकि जो हाशियाई समुदाय से हैं और उन जो नए संस्थान खोल के उनमें जो हाशिया समुदाय के लोग हैं, जो सरकारी स्कूलों से आते हैं, जो वंचित परिवारों से आते हैं, जो मजदूरों के बच्चे होते हैं, जो दलितों के बच्चे होते हैं, उन्हें एक बराबरी का मौका मिले। इसलिए उन्हें रियायत मिलना चाहिए, उन्हें डिप्रिवेशन पॉइंट्स मिलने चाहिए, उन्हें पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो ये आरक्षण वाली बात है, ये आप किसको, मतलब इसके पीछे कौन साजिश है, कौन साजिश कर रहे हैं, किसको मान रहे हैं आप इसका? देखिए, सीधी बात है, सरकार नहीं चाहती है कि जो हाशिए के समुदाय के लोग हैं उन्हें बेहतर शिक्षा मिले। सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि जो लोग पढ़े लिखे, एक वंचित समुदाय का हिस्सा, दलितों का हिस्सा, एक बहुत छोटा हिस्सा, अब बहुत मुश्किलों से उच्च शिक्षा तक पहुंच पाता है, जो पहुंच एक, जबकि एक बड़ा हिस्सा है जो शिक्षा से वंचित रहता है, एक बड़ा हिस्सा है जो खुद उच्च शिक्षा तक पहुँच नहीं पाता। सरकार उन उच्च शिक्षा में पहुंचने वाले लोगों को एक मौका तो देती है नहीं कि वो बेहतर पढ़ सके, जबकि जो कुछ लोग बड़ी मुश्किल से उच्च शिक्षा तक पहुंच पाए हैं उन्हें भी रोकने की कोशिश की जा रही है। उस ड्राफ्ट में ये था ना कि अगर आप कैपेबल नहीं हैं उसके बदले जनरल वालों को रखा जाएगा, तो एक तरीके से सही है ना? अगर कैपेबल नहीं है तो जनरल वाले अगर आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है उसमें? देखिए, सीधी बात है, हम देखे हैं कि एक लंबी हिस्ट्री रही है जहाँ पे नौकरियों में, दाखिलों में, तमाम जगह पे जो हाशिया समाज के लोग आते हैं उन्हें कहा था कि नॉट सुटेबल। जब नॉट सुटेबल मार्क कर दिया जाता है, नॉट अवेलेबल मार्क कर दिया जाता है, तो ये तय कौन करेगा कि जो प्रोसेस और ट्रांसपेरेंसी है, आप सुटेबिलिटी एलिजिबिलिटी आप तय कैसे कर रहे हैं? सीधी बात है कि जब इतनी बड़ी संख्या, ये सोचिए कि इतनी बड़ी संख्या बेरोजगार है, हाशियाई हिस्सों का, युवाओं का, दलितों का एक बड़ा हिस्सा सड़कों पर इसलिए प्रदर्शन करता है कि हमें नौकरी मिले, हमें रोजगार मिले, और आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लोग मौजूद नहीं है कि जो सुटेबल नहीं है। सीधी बात है, सुटेबल कैंडिडेट्स हैं, सरकार सीधे सीधे चाहती है कि उन्हें जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जो हाशिया समाज से आते हैं उन्हें मौका नहीं मिले। ये सीधी सीधी सरकार की साजिश है, सरकार का जो भेदभावपूर्ण रवैया है ये उसको साफ सामने रखता है। क्या लगता है, मतलब ये जो सरकार है ये एक एजेंडा चलाती है कि हम एक ही चीज़ को, एक ही समुदाय को आगे लेके चलेंगे? देखिए, सरकार का एजेंडा है कि आप लोगों को बांटे रखिए, जो हाशिए में खड़े हैं उन्हें आगे आने का मौका नहीं दीजिए, क्योंकि ये हाशियाई हिस्से के लोग जब आगे आएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, बेहतर पदों पे आएंगे, और साथ ही साथ जब बेहतर मौके पाएंगे तो उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर होंगी। सरकार चाहती है कि जो शोषण उत्पीड़न का चक्र है, जो दमन का चक्र है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होता रहे। हमारे यहाँ एक तरफ हम देखते हैं कि, मतलब मैं एक बात फिर से बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक तरफ देखते हैं कि सरकार नौकरियों को प्राइवेटाइज कर रही है, सरकार, हम लगातार देखते हैं कि जो
बहुसंख्यक सरकार ये देख रही है कि जो सांप्रदायिकता फैला रही है और ऐसे लोगों को नियुक्त कर रही है शिक्षा में जो शिक्षा के सांप्रदायिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग जो उनके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं, ऐसे लोग जो हाशियाई हिस्सों की आवाज़ों को सामने रखें, उनके मुद्दों को नकारा जाए, इसीलिए ये लगातार कोशिश की जा रही है कि जितने भी एकलव्य हैं उनकी उंगलियों को काट दें। तो जो प्रदर्शन कर रहे हैं इससे कुछ लग रहा है फ़ायदा होगा, आगे सरकार सुनेगी आप लोगों की? देखिए, प्रदर्शन का दबाव है, सरकार पर दबाव है, तमाम जगह से दबाव आ रहे हैं। हम यहाँ मौजूद हैं ये बताने के लिए कि सरकार के ये मनमानी फैसले जो है, सरकार के इस तरह के भेदभावपूर्ण रवैये जो है, हम इनके खिलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। हम अलग अलग हलकों पे, अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध की आवाज़ें गूंज रही हैं और सरकार जब तक ये रेगुलेशन वापस नहीं लेती हम तब तक संघर्ष करेंगे। आप लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके भी सवाल उठा रहे हैं कि इसमें भी कुछ गड़बड़ी है, ये भी मतलब जातिवाद एक तरीके से फैलाने का वो हो रहा है। देखिए, मैं आपको एक तथ्य के आधार पर मैं बात करता हूँ। हम देखते हैं कि सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहती है कि हम नए शिक्षा संस्थान नहीं खोलेंगे, हम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ावा देंगे। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में होता क्या है, बीते 10 सालों का डेटा ये कहता है कि जो SC समुदाय से आते हैं, जो दलित समुदाय से लोग आते हैं, उनका इग्नू में पढ़ने वाले ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में 600% की बढ़ोतरी हुई, जो ST के स्टूडेंट्स हैं उनमें 400% की बढ़ोतरी हुई। यानी SC ST ही हाशियाई समुदाय के लोग आगे आके पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब पढ़ना चाहते हैं, जब शिक्षा में आने वाले छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, वो चाहते हैं कि वो एक बेहतर शिक्षा पाएँ, लेकिन क्या नए कॉलेज खुले हैं, क्या नए संस्थान, शिक्षा संस्थान खुले हैं? बीते 40 सालों में हमने दिल्ली में नहीं देखा, देश भर में चंद गिने चुने शिक्षा संस्थान खोले जाते हैं। यानी सीधी बात है कि जो बड़ा हिस्सा दलितों का, जो बड़ा हिस्सा आदिवासियों का, बड़ा हिस्सा अल्पसंख्यक समुदायों का, वो जब पढ़ने के लिए आगे आना चाहता है, वो चाहता है कि बेहतर उस शिक्षा मिले, उसके लिए मौके नहीं दिए जा रहे हैं। सीधी बात है, उन्हें रोकने के लिए ये लगातार कोशिश की जा रही है और ये उसी क्रम में ये गाइडलाइन आया है और हम इस गाइडलाइन का विरोध करते हैं। तो सीधे तौर पर यहाँ पे देखा जा सकता है कि जो चीज़ें, अगर ऐसे कह रहे हैं कि जो सरकार है वो सीधे SC ST OBC के खिलाफ बताई जा रही है, सीधे तौर पर मोदी सरकार से सवाल उठ रहा है, ABVP के लोगों से सवाल उठ रहा है, RSS के लोगों पर सवाल उठाया जा रहा है सीधे तौर पर। सर, क्या कहेंगे इसको लेके? आपने जो अभी एक स्पीच दी थी उसमें आप कह रहे हैं कि ये मोदी सरकार की साजिश है। बिल्कुल, ये मतलब साजिश है। लगातार जब से सरकार आई हुई है, दलित पिछड़े आदिवासियों का जो पद है, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या जो भी सरकारी संस्थानों में है, उसको NFS कर दिया जा रहा है। ये लगातार आप देख भी रहे हैं, चाहे वो PhD का भी पद हो, चाहे प्रोफेसर का हो, एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, या और भी पदों को कर दिया जा रहा है NFS। अभी जो ये नोटिस आया है, उस नोटिस में आपने पढ़ा होगा जो डी रिजर्वेशन का मामला है। डी रिजर्वेशन क्या बोल रहा है कि जो OBC SC ST का पद है, ये पद खाली अगर रह जाता है, NFS उस पर लगा के खाली कर दिया जाए, और भाई उसमें उसको किससे भरा जाएगा, जनरल से भरा जाएगा। हाँ। तो मामला उसी वही कह रहे हैं कि अगर सूटेबल नहीं है तभी जनरल वालों को लिया जाएगा ना। नहीं, ऐसा भाई, इस देश का 85% कमेरा लोग सूटेबल नहीं है। हाँ। तो ये जो लठाई बैठे हुए हैं मंदिरों में और जो ये संघ की शाखा में जाते हैं चड्डीधारी लोग, ये क्या सूटेबल है? अभी आप देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रहा है भर्ती, तमाम सारे शाखा में जाने वाले लोगों को भरा जा रहा है जो उस विषय में स्पेशलाइजेशन भी नहीं है, तमाम सारे डिपार्टमेंटों में। अब देखिए, रामजस में पूरा फैकल्टी ही बदल दिया गया, हंसराज में, हिंदू कॉलेज का तो एक प्रोफेसर बेचारा सुसाइड कर लिया, हंस, समझ रहे हैं, हिंदू कॉलेज का समरवीर। तो इसी तौर पर कहा जा सकता है कि ये लोगों की साजिश है कि SC ST OBC को मतलब भगाया जाए और सीधा जो जनरल कैटेगरी है उसको भरा जाए। तो वहीं इसी तौर पर यही कह रहे हैं कि मोदी सरकार शायद जो दलितों, पिछड़ों वर्ग है उसके खिलाफ बताई जा रही है, तभी यहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि ड्राफ्ट आया, कन्फर्मेशन नहीं बताई जा रही है, लेकिन ये लोग फिर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अगर कन्फर्मेशन हो जाती है तो फिर SC ST जो तबके हैं उनका क्या होगा, वो लोग कहाँ जाएंगे? बाकी आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ।